हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में लॉ वैकेंसी रिक्रूटमेंट 2021 में आया है, तो जितने भी कैंडिडेट जिनका लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है उनके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो वैकेंसी आया हुआ है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है और इसमें अपॉर्चुनिटी जितने भी लॉ स्टूडेंट, जितने भी लॉ ग्रेजुएट होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आया हुआ है। और अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे कुछ है तो आप भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छे पोजिशन पर अच्छे जगह वर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे स्टडी विथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में आपको इस चैनल के ऊपर लॉ से रिलेटेड वैकेंसी जितने भी अपडेट है वो टाइम टू टाइम दिया जाता है, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप एक कैंडिडेट हैं और आप जॉब के लिए देखते रहते हैं तो आपको हमारे चैनल के थ्रू आपको सारा नोटिफिकेशन मिलने वाला है इन फ्यूचर, जो डिप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए आया हुआ है। और ये जो वैकेंसी निकल के आ रहा है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल डेट मीन्स NCLT में आया हुआ है इनके ऑफिस के लिए। और इसमें जो पोस्ट है डिप्यूटी रजिस्ट्रार है का वैकेंसी निकल कर आया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी मैं बता देता हूँ कितने हैं। न्यू दिल्ली में दो पोस्ट है, अहमदाबाद बेंच में एक है, बेंगलुरु बेंच में एक है, चेन्नई बेंच में एक है, हैदराबाद बेंच में एक है, जयपुर और कोलकाता में एक एक पोस्ट है। तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं 8 पोस्ट है जो कि डिप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए निकला हुआ है। और इसमें आपको पेमेंट जो होगा लेवल 12 का होगा, जो 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये तक का पेमेंट आपको पर मंथ किया जा सकता है। तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है। अब इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन हम देख लेंगे, जैसे कि यहाँ 2 पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, वो सब सारे कुछ दिया हुआ है एनेक्सर 1 में। तो एनेक्सर 1 यहाँ फॉर्म है जो हम उसको भी देखेंगे। और टर्म एंड कंडीशन, रिक्रूटमेंट, सैलरी वगैरह सारा कुछ जो दिया हुआ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप इनके वेबसाइट पर जाकर ये पब्लिक नोटिस डेट मीन्स ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। इनका वेबसाइट जो है HTTPS, यहाँ पर डेट मीन्स NCLT आप वेबसाइट लिखिएगा तो वो आप ऑटोमेटिक इनका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जो कि NCLT.gov.in पे आप सर्च कर सकते हैं। और इनके जो ये PDF है डाउनलोड करके हर एक टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ भी सकते हैं। और साथ में गाइज, यहाँ आपको इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम एज है इनके लिए वो 56 ईयर्स है, डेट मीन्स मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन डिपुटेशन टू दी एवव पोस्ट इज 56 ईयर, डेट मीन्स 56 ईयर्स तक के जितने भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो पहले ही अप्लाई कर चुके हैं, जो एडवर्टाइजमेंट निकला था इसका 17 अगस्त 2020 में, डेट मीन्स जितने भी कैंडिडेट 17 अगस्त 2020 में ही अप्लाई किए थे पोस्ट के लिए, उन्हें फिर से अप्लाई करने का नहीं है। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का अप्लाई करने का वो 30 जून 2021 है, डेट मीन्स 30 जून 2021 तक लास्ट डेट है। तो आप इसे भी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है एनेक्सो 2 में, वो आपको फिलअप करके कंप्लीट सर्टिफिकेट के साथ आपको अटेस्ट करना है और उसे फॉरवर्ड करना है जो द सेक्रेटरी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल 6th फ्लोर ब्लॉक नंबर 3 CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली 11003 के पास आपको सेंड करना है। अब यहाँ पे देखिए एनेक्सोर 1 में आपका दिया हुआ है डिटेल्स ऑफ पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी इसमें मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए 8 पोस्ट निकला हुआ है, पेमेंट भी आप देख सकते हैं। और एलिजिबिलिटी है यहाँ पे जो भी ऑफिस, जो भी कैंडिडेट वर्क कर चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरेटरी या फिर कोर्ट में या फिर ट्रिब्यूनल में या फिर स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन में, और जिनके पास लॉ डिग्री है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है आप इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं इसे कॉपी करके आपको डिस्क्रिप्शन में एलिजिबिलिटी लिख दूंगा, तो आप वहाँ से भी सारे डिटेल्स, एलिजिबिलिटी जो है और एक्सपीरियंस जो है मांगा जा रहा है इसमें, वो आप सारे पढ़ लीजिएगा क्योंकि काफ़ी लंबा है। तो मैं इसे आपको वहाँ पर दे दूँगा तो आप आराम से वहाँ से पढ़ सकते हैं। और आप इसे PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको मैंने वेबसाइट बताया है NCLT.gov.in पर जाकर। और ये एनेक्सो 2 का एप्लीकेशन फॉर्म है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है और सेंड करना है, और लास्ट डेट जो है वो 30 जून 2021 है। तो आप इसे देख सकते हैं, ये आपको फॉर्म ऑनलाइन ही मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया, PDF डाउनलोड करने के बाद आपको मिलेगा। तो गाइज, और इसके जो एक और पोस्ट आया हुआ है डेट मीन्स
NCLT में इससे लो पोस्ट के लिए भी आया हुआ है, जो इससे लोअर कैंडिडेट के लिए है, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आया हुआ है। तो अगर आपने वो भी फॉर्म नहीं देखा है तो जाइए, वो भी वीडियो अपलोड हो गया है तो आप उसे भी देख लीजिए, उसमें भी पोस्ट आया हुआ है, वैकेंसी आया हुआ है और एक अच्छे पेमेंट भी उसमें दिया जा रहा है। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो जाइए, जो NCLT डेट मीन्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के लिए ही वो फॉर्म आया हुआ है, जो ये डिप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए है और वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए है। तो आप जाइए और उस वैकेंसी को भी देख सकते हैं। और साथ में अगर आप किसी और वैकेंसी को देखना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको लो वैकेंसी 2021 का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसके ऊपर जितने भी रिसेंट में वैकेंसी आए हुए हैं सारा कुछ वहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लॉ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप स्टडी विथ यू जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और गाइज, ऐसे 88% ऐसे कैंडिडेट हैं जो वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप में अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें, ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस चैनल से जुड़ सकें और वो भी अगर एलिजिबल है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकें। इससे एक दूसरे का हेल्प करने से ही हम सब आगे बढ़ सकते हैं। एंड यू नो सो गाइज, आप शेयर ज़रूर करें और सपोर्ट करें इस चैनल को, ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।